साथियों, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी और झूठ, झूठ और शिवराज, झूठ और श्रीमल सब एक ऐसा कुनबा बना है जिसने किसान को छला है, जिसने कर्मचारी को छला है, जिसने प्रदेश को कर्जदार बनाया है, और सबसे बड़ी बात है कि जिसने देश में मध्य प्रदेश का माथा कलंकित किया लोकतंत्र की हत्या कर। साथियों, किसान पीड़ित है, दुखी है, ओलावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, और शिवराज जी आज दौरा कर रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं घबराना मत, मैं हूं ना। जब वो ये कहते हैं कि घबराना मत, मैं हूं ना, ये दो साल पहले भी उन्होंने कहा था, और आज तक बीमे की राशि या उन किसानों का मुआवजा उनके खातों में नहीं गया। जिस जिस जिले में जब जब भी अतिवृष्टि ओलावृष्टि होती है तो शिवराज जी जाते हैं, फसलों को देखते हैं, थोड़े गिड़गिड़ाते हैं, किसानों को गले लगाते हैं, 3, 4, 5, 7 किसानों से फोटो विजुअल बनवाते हैं, और फिर ये कहते ना घबराना मत, सर्वे ईमानदारी से होगा, पटवारी करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा और अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें संलग्न होंगे। फिर आखिरी में जब साल भर 6 महीने बाद पता चलता है कि बीमा कंपनियों का लाभ 3600 करोड़ रुपया हो गया और किसानों की इनकम घटती गई। साथियों, ये शिवराज जी, जब मैंने कहा शिवराज और झूठ एक मजबूत मुट्ठी है, ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि शिवराज जी ने किसानों की आय दुगनी करने की भावना 1,00,000 बार पिछले 10 साल में बोली है, और जब ये मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने ही नहीं बोली, उन्होंने अपने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार इसका जिक्र किया है, और इतना ही नहीं हुआ, किसानों की आय दुगनी करेंगे ये भावना उन्होंने आदरणीय प्रथम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी से शेरपुर में सीहोर में करवाई है। जब मैंने इसके प्रश्न किए 7 बार तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है कि आय कितनी हुई, और जब मेरे एक साथी ने प्रश्न किया हर्ष विजय गहलोत ने, तो उन्होंने कहा ऐसी मैंने घोषणा ही हमने कोई नहीं की, मतलब उनके वीडियो 500 से ज्यादा होंगे जिसमें उन्होंने बोला किसान की आय दुगनी करनी, और अब उन्होंने नकार दिया। इसलिए शिवराज और झूठ एक पक्का गठजोड़ है। आप सिंधिया जी और झूठ कैसे पक्का गठजोड़ है? ये अतिथि विद्वान यहीं पे धरने पे बैठे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था चिंता मत करना मैं सड़क पे आऊंगा, अब वो पिछले 3-3.5 साल पे सड़क पे है, पर उन्होंने उनके लिए कोई सूद नहीं ली, ये भावना बनती है नहीं बनती। उन्होंने कहा मैं सम्मान और सेवा के लिए राजनीति में परिवर्तन कर रहा हूँ, सरकार गिरा रहा हूँ, नई सरकार ला रहा हूँ, कोई पद नहीं लूंगा। उन्होंने भी पद लिया, बाकी लोगों ने भी पद लिया, सेवा कितनी थी और सम्मान कितना गया, ये सर्वविदित। साथियों, भावना मेरी इतनी है कि जब मैं अभी सदन आज तक चल रहा था, मैं सदन से सस्पेंड हूँ। इसलिए कि मैंने कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी शिवराज जी, कब करो? मैंने कहा किसानों के हालात खराब है, उनकी लागत बढ़ गई है, तो क्या आप उनकी फसलों के दाम बढ़ाओगे? क्या 3,000 रुपये क्विंटल गेहूं करोगे? हमने समर्थन मांगा विधायकों का, सब विधायकों ने कांग्रेस के हाथ ऊंचा करके समर्थन दिया, पर बीजेपी वालों ने नहीं दिया। पर मैं जब बाहर आया तो सबने कहा कि भैया सही मुद्दा है, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, फसलों के दाम बढ़ने चाहिए, गेहूं के और सरसों के दाम बढ़ने चाहिए, और बार बार इस बात को अलग से हर पार्टी के व्यक्ति की भावना भी है कि बढ़ना चाहिए, पर शिवराज जी ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे सस्पेंड कर दिया। साथियों, अनुरोध मेरा इतना है कि जब मध्य प्रदेश 4,00,000 करोड़ के कर्जे में है, 24,000 करोड़ रुपया हम हर साल ब्याज देते हैं, हम प्रदेश में हर हफ्ते 500 करोड़ का नया कर्ज लेते हैं, तो आरबीआई उसी दौर में जिस दिन बजट आ रहा था उसी दिन आरबीआई 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ के ऋण के अनुपात में बेच रही थी। जिस 3,000 करोड़ रुपए में जो संपत्ति हमने मॉर्गेज रखी थी वो आज 10,000 करोड़ की हो गई 18 साल पहले, वो 3,000 करोड़ में बिक्री थी और हम 3,000 करोड़ उसी दिन फिर नया लोन ले रहे थे। तो ये इनका मैकेनिज्म है। आप किस क्षेत्र में इनकी बात करो, सब में इतनी दयनीय स्थिति में ला दिया है कि जितनी आप हमसे बेहतर समझते हो, पत्रकार और मीडिया
कई चीजें बाहर लाते, झूठ कितना बड़ा। सीहोर में शिवराज जी ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर भी आया कि सीहोर में और बुधनी में हम एक एक लाख की, सवा सवा लाख की मुर्रा भैंसे देंगे, मुर्रा भैंसे। उसके वीडियो मैंने ट्वीट किया, आप चाहो तो देख लेना। जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई योजना बनी थी क्या, कोई योजना ही नहीं बनाई। तो एक तरह का भाषण में बता रहे हो कि ऐसी योजना बनी है, हम मतलब भैंस तक के तो झूठ बोल गए ये, तो बाकी क्या छोड़ेंगे। तो ये सर्वविदित है सर, आप एक एक चीज को अगर भावनात्मक देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है, जो मांग है कि शिवराज जी किसानों के आय दुगनी करो, आप जिस तरीके से बहनों को आप चुनाव के पहले याद आ गई हो, लाडली बहना की, मैं मानता हूँ ये एक तरह का छलावा है, मूर्ख बनाकर वोट लेना या लालच देके वोट लेने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। बहनों का सम्मान होना चाहिए, बहनों को लाभ मिलना चाहिए, बहनों के लिए शासन ने योजना बनानी चाहिए, पर चुनाव को दृष्टिगत रख के बनानी चाहिए। वो मामा जो भांजियों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो किसानों को इतने साल से बरगला रहा था, वो मामा जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में झूठ बोल रहा था, वो अब बहनों को छलने में लगा है। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय भी लिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया हमारी बहनों को देंगे, और हमने दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, हिमाचल में किया है। तो मैं मानता हूँ कि जिस भावना को कांग्रेस पार्टी जीना चाहती है उससे शिवराज जी डरना चाहते, तो ऐसे में उन्होंने आनंद फानंद जो घोषणा की, मैं चुनाव को दृष्टिगत रख के मैं मानता हूँ वो पूर्ण करें, हम उसके विरोध में नहीं है, पर झूठ न बोले। थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएंगे तब अलग तरह के बहाने बनाएंगे, चुनाव के बाद अलग तरह की बातें करेंगे, ये एक तरह का अन्याय होगा उन बहनों और भांजियों के साथ। जीतू जी, मेरा अंत में ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना का 1 लाख रुपया 21 साल की बेटी होगी, 18 साल की बेटी होगी और उसके खाते में आ जाएगा। जब मैंने ये सवाल किया तो कभी उनको सर्टिफिकेट देते हैं, कभी अलग अलग प्रकार की और बातें करते हैं। तो आपने 18 साल से 15 साल से उन बेटियों को कहा कि आप लखपति बनोगी, और जैसे ही 18 साल की हो सर्टिफिकेट देने की बात करने लगे, तो इस तरह का भ्रम जाल क्यों, ये सवाल है। मैं फिर से ग्वालियर चंबल में आज सुबह से घूम रहा हूँ, गुना से आया, वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की, फिर मैं शिवपुरी में रुका, फिर अलग अलग तरीके से हजारों परिवार के लोगों से मैं सुबह से मिला हूँ। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, लोग शिवराज जी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं संभावनाओं के साथ। और जिस तरीके का ग्वालियर चंबल में मुझे ये स्वागत सत्कार तो अपनी जगह नेताओं का होता ही है, पर जो भावना आंखों में दिख रही है, यहाँ पर 80% से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी, ये अपने आप एहसास होता है इस बात का। मैं फिर से देरी से आया, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरे परिवार के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है, बहुत मेहनत कर दिन रात लगे रहते हैं, और मैं मानता हूँ अपने अपने संस्थान के प्रति उससे ज्यादा लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी से काम करते हैं। मैं आपका स्वागत और सत्कार। मेरे सवाल ये करना चाहूँ, आप कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती है कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बीजेपी का ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तमाम तरह के आरोपों का प्रत्यारोप की बात करती है, क्या बदले की सियासत करेगी कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद? पहले तो मेरे आपने ये तो बताया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या कर देंगे वो बताओ, क्या आपने उत्तर आपने कहा होशियार रहिए, तैयार रहिए, कलेक्टर से आपने कहा तैयार रहिए, ऑफिसरों के नाम हमारे पास लिस्ट बनी रही है, अव्वल तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अभी कोई वीडियो रिजर्व नहीं, तो मैं बैठू जब तक लेके आ जाओ। अरे एक मिनट, उत्तर तो पूरी होना चाहिए। पहले मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, एक दूसरी चीज, अगर ये बात अगर कोई अधिकारी बीजेपी का कार्यकर्ता बन के बात करता है, काम करता है, तो फिर लोकतंत्र का जो सही महत्व है उसको बताने की भी आवश्यकता है। अगर उनको ये कहें कि सर आप सरकारी सर्वेंट हैं, जैसे मैं विधायक, तो एक विधायक अच्छा सर्वेंट होता है पब्लिक सेक्टर, तो मेरी ड्यूटी जब बनती है, मैं विधानसभा के सामने चुन के आया, मैं सबके लिए समृद्ध देखूं, दो आंखों से नहीं एक आंख से सबको देखूं, मैं पार्टी के विचार से पहले सेवा का विचार मेरे दिमाग में होना चाहिए। ऐसे प्रशासनिक उन्होंने कोई अगर शपथ ली है तो उसकी इज्जत करें, इसमें अगर ये किसी को बताते हैं कि आप शपथ की इज्जत करो, न्याय करो,
बदले की भावना से काम मत करो, बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनो, तो क्या गलत करते हैं आप बताओ? ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो फिर सही समय पे जिसके पास कलम की ताकत हो वैसे अधिकारी को न्याय संगत सेवा देना क्या गलत है? जी तिवारी जी, मेरा सवाल तिवारी जी, आप इनका भी इनका मेरा सवाल ये है भैया, मेरा एक निवेदन है, एक मिनट, मेरा निवेदन है, मैं एक भी सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर आप अच्छे से मेरे से सवाल करोगे तो मैं आराम से जवाब दूंगा। अभी सर का नंबर, मेरा सवाल है, मैं प्रदीप मांडरे पत्रकार हूँ जी। प्रदीप, आप तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और न केवल लोकप्रिय हो रहे हैं बल्कि प्रदेश शासन के लिए भी हेडेक बन रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या विधानसभा के बाहर की बात हो। हमेशा शिवराज सरकार ने, बीजेपी ने आपको, आपके खिलाफ एक्शन लिया है और आप भी हमेशा बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहते हो, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस संगठन में ही बड़े नेता आपको डाउन करने में लगे हैं। अभी हमने देखा पीसीसी की जो कार्यकारिणी बनी उसमें आपको कार्यकारिणी पद से हटा दिया गया। एक मिनट, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, चाहे सिंधिया जी हो उनको डाउन किया गया, चाहे राजस्थान में सचिन पायलट हो उनको डाउन किया जा रहा है, चाहे आप जैसे उभरते नेता हैं जो धीरे धीरे मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर जा रहे हैं आपको डाउन किया जा रहा है? मांडरे जी, इसी में प्रेस कर दूं मैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपका भी जो भाव दिख रहे हैं कहीं सिंधिया की तर्ज पे तो नहीं आप चलने जा रहे हैं आगे भविष्य में? दोनों सवाल इतने सम्मानित है कि मैं पहले तो आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ऐसे सवाल किए। ये मेरे में और सिंधिया जी में एक बड़ा अंतर है। सिंधिया जी ने पीठ दिखाई है, मैं सीने पे लेके अपनी बात करता, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता कि उनने जो किया वो मैं करूँगा, ये आपका उत्तर हो गया। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र कॉम्पिटिशन का क्षेत्र, प्रतियोगिता का क्षेत्र, इसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी बहुत कम के नसीब में होती है। मुझे चौथा चुनाव अब मैं लड़ूंगा, मैं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा, इससे पहले सचिव रहा, फिर अलग अलग केंद्र में मैं 5 जिम्मेवारियां निभा रहा हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकारी अध्यक्ष का जहां तक सवाल है पार्टी ने उस पर स्पष्ट कर दिया है, आपको पता होगा उस बात का। तो ये मीडिया डोमेन की बातें होती है कि ऐसी प्रतियोगिता है, ये डाउन करने की बात है, इसको बढ़ाने की बात है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुटता से काम कर रही है और मैं आपसे वचन देके जा रहा हूँ। वचन, ये शब्द का अर्थ समझना, ये वो वचन नहीं है जो प्राण जाए पर वचन न जाए वाला है। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। सारे सवाल आपके, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कह रहा है, मैंने क्या कहा? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो नेचुरल है, नेतृत्व करता है। अब इसमें अपन 3-4 चीजें अलग अलग तरह के अगर निकालें, मैं समझता हूँ ये न्याय नहीं है। न्याय ये है कि पूरी पार्टी एकजुट है, न्याय ये है कि बीजेपी से जनता त्रस्त है, न्याय ये है कि बीजेपी से जनता लड़ना चाहती है, हम तो माध्यम,